बस्ती में नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस से टकराई, ट्रेलर बस घर में घुसी, लगभग 2 दर्जन यात्री घायल। हरैया थाना क्षेत्र के NH 28 के पास हाईवे पर रोडवेज की बस घर में घुस गई। रोडवेज बस में सवार 4 यात्री गंभीर रूप से घायल, डॉक्टरों ने जिला अस्पताल बस्ती किया रेफर। ट्रेलर गाड़ी डिवाइडर पार कर दूसरी लेंथ में जा रही बस से टकराई। बस टकराने के बाद अनियंत्रित होकर घर में जाकर घुसी। बस में सवार लगभग 2 दर्जन यात्री घायल, उपचार के लिए भेजा जा रहा अस्पताल। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे CO शेषमणि उपाध्याय और SHO राणा देवेंद्र प्रताप सिंह बचाव में जुटे। मौके पर आसपास के लोगों की मदद से SHO हरैया राणा देवेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस बल के साथ एम्बुलेंस से घायलों को उपचार के लिए भेजा। सामने से ट्रेलर आ गया रॉन्ग साइड से। आप कौन हैं? ड्राइवर। ड्राइवर हैं? अच्छा, रॉन्ग साइड से ट्रेलर आ गया। हाँ। जी, लगभग कितने सवारी रहे होंगे उसमें आपके बस में? तो सभी को चोटें आई हैं? हाँ, लगभग। जी, कितने बजे की घटना होगी ये? 11:30 से 12 के समय। दिनांक 30/31 अगस्त 2023 की रात्रि 1200 बजे अयोध्या डिपो की रोडवेज की एक बस UP 42AT 9363 जो कि अयोध्या से बस्ती की ओर जा रही थी, थाना क्षेत्र हरैया के तेनुआ के पास नेशनल हाईवे पर जब वह बस पहुंची थी तो विपरीत दिशा से, यानी कि बस्ती से अयोध्या की तरफ आ रहा एक बंद कंटेनर जो कि अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ता हुआ नेशनल हाईवे की उत्तरी लेन पर बस में टक्कर मार दिया, जिससे रोडवेज की बस बाईं तरफ उतरती हुई एक मकान की दीवार से टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गई। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।